हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप एनपीओ नाम के चैप्टर में कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो। जो एनपीओ के आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपका एनपीओ में आता है जो कि 12 मार्क्स का आता है, तो आप 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स कैसे ला सकते हो और किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है या किस तरीके से आपको फॉर्मेट बना के लिखना होता है, तो मैं आपको पूरा एक एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, आपको एग्जाम में नहीं करना है और कैसे आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक होते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है वो किन चीज़ों को देखता है। जैसे मैं खुद बोर्ड का एग्जाम का पेपर जब अकाउंट्स का चेक करता हूँ तो कौन कौन सी चीज़ों को केयर करके आपको मार्क्स दिया जाता है और कैसे मार्क्स दिया जाता है। अभी होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि यदि हम लोग का ये जो लास्ट का आंसर है ये राइट आ गया तो सर क्या करेंगे, फुल मार्क्स दे देंगे, एग्जाम में अपने को फुल मार्क्स मिल जाता है। या बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यदि उनका फाइनल आंसर रॉन्ग आया तो उन लोग को कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके जो मार्क्स मिलते हैं इसके बोर्ड खुद ही सोल्यूशन बना के देता है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका बोर्ड क्या करता है, सोल्यूशन बना के देता है और हर एक सोल्यूशन के एक एक जो वर्ड होते हैं ना, सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। अभी मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अभी तक फ्रेंड, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं आप लोग के लिए और भी टिप्स या और भी जो भी आपके नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूँ तो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करता हूँ मैं, कैसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है। और इनकेस आपको किसी भी टाइप का पीडीएफ चाहिए, हेल्प लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, जिससे आप लोग ज्वाइन हो जाना है तो आपको और भी डिटेल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं, यहाँ पर मेन पॉइंट्स पे आते हैं। अभी ये जो मार्क्स होता है आपका फाइनली, वो मेन जो मार्क्स होता है वो पूरे कंटेंट के ऊपर मिलता है कि आपने इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या लिखा है, किस तरीके से। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट देखा जाता है वो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन के ऊपर देखा जाता है। थर्ड पॉइंट जो देखा जाता है वो रहता है आपको कि कहीं पर आपने छोटी छोटी मिस्टेक तो नहीं किया है। अभी देखते हैं, सबसे पहला आपको काम क्या करना है। आपको पता है कि एनपीओ नाम का जो चैप्टर रहता है इसके अंदर दो चीज़ आपको बनाने के लिए आता है, जैसे कि एक तो आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना पड़ता है, दूसरा आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। और यदि इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों आपका राइट है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी एग्जामिनर जो चेक करता है, सबसे पहला कंटेंट चेक करता है। मैं कंटेंट में बता देता हूँ, कंटेंट में मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं और आपको नहीं करना है। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मेट में आपको कौन सी चीज़ों को याद रखना है, कैसे आपको फॉर्मेट इसका मेंटेन करके रखना है। लेकिन यदि फॉर्मेट की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ जैसे अन्ना भाऊ इंग्लिश मीडियम स्कूल लिखा हुआ है, तो जिसका भी आप एनपीओ बना रहे हो, मतलब जिसका भी आप एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, उसका आपको क्या करना है, प्रॉपर उस स्कूल कॉलेज जो भी रहेगा, ठीक है, ट्रस्ट या जो भी रहेगा, उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना जरूरी है। ये भी चीज़ कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये सेकेंड प्रायोरिटी में आता है जब आपको फुल मार्क्स आने लगते हैं। जब आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने लगेगा तो कंसिडर किया जाएगा। यदि आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं आ रहा है तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया जाता है। इसके बाद आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जिस भी ईयर का आप बना रहे हो, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप ट्राई करना है, जब इनकम लिख रहे हो तो उसका आई कैपिटल हो, जो जब एक्सपेंडिचर लिख रहे हो तो उसका ई क्या होना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए। एक ये अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है और कुछ ज़्यादा उसका जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ये एक अकाउंट्स होता है, मतलब एक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, एक तरीके का अकाउंट्स है, तो ये अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट लिखना कंपलसरी, आप डेबिट क्रेडिट लिखो, इसका डेबिट क्रेडिट लिखना जरूरी है। यदि आपने डेबिट क्रेडिट प्रॉपर लिख दिया, ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे सैलरी टू स्टाफ है तो टू को कैपिटल ही लिखना है, बाई को भी बी कैपिटल लिखना है और टू कैपिटल होना चाहिए। जो भी चीज़ें आप लिखो यहाँ पे ऐड लेस करो, तो वहाँ पे ऐड का ऐड लिखना, ऐसा कि मुझे ऐड करना है तो आप ऐड यहाँ पर लिखो। यदि टू रेंट है तो यहाँ पे टू रेंट लिखना है। जो भी अमाउंट रहेगा जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा वो अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिखो, उसके ऊपर जो भी एडजस्टमेंट रहेगा कहीं पे भी शॉर्टकट आपको नहीं मानना है। जो भी आप चीज़ें लिखना प्रॉपर, जैसे यहाँ पे सैलरी टू स्टाफ है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यदि लिखना है तो आपको एक लाइन में लगता नहीं आएगा, तो दो लाइन में आप लिखो,
लेकिन इसको प्रॉपर लिख के इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप ऐड करके आउटर कॉलम में लिख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करो, फिर उसका जो टोटल अमाउंट रहेगा उसको आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको लिख देना है ऐसे। तो एक एक जितने भी खर्चे रहेंगे सब आपको डेबिट साइड में लिखना है, कोई भी जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको वहाँ पर आपको लिस्ट करके ऐड करके दिखाना है। जैसे यहाँ पे बाय ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस आपका इनकम होता है तो ट्यूशन फीस को आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय ट्यूशन फीस आपने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, तो आप यहाँ पर पूरा क्लियरली लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं शॉर्टकट में पी वाई लिख देते हैं, पी वाई मीन्स आप समझ रहे हो प्रीवियस ईयर होता है, बट एग्जाम में आपको जो टाइम दिया गया है वो टाइम के हिसाब से आप पूरा फुल फॉर्म लिखो। यदि ये आपका जो क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स के लिए आता है तो आप इसके ऊपर 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में आराम से टाइम आप दे सकते हो अपने हिसाब से जितना टाइम, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया था कि कैसे अकाउंट्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने जो भी प्रीवियस ईयर ठीक है जिसमें जिसे यहाँ पे ऐड करना है तो आपको प्लस का चिन्ह नहीं लिखना है, आपको ऐड लिखना है, ऐड में ए को स्मॉल भी नहीं लिखना है, वो कैपिटल आप लिखो। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है तो ईयर भी लिखकर बताओ, ईयर भी आपको लिखकर बताना चाहिए। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर था तो प्रीवियस ईयर के ईयर मेंशन करो। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है जब आपको फुल मार्क्स आते हैं। तो ऐसे में आपको जब ये आपने पूरा लिख लिया, आपने टोटल मारा, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का आया तो इस साइड जो आता है उसे हम लोग सरप्लस बोलते हैं। तो जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट को सर्कल नहीं करना, आपको जस्ट सरप्लस आया तो सरप्लस आपको लिख कर बता देना है, एक्सप्लेन करके कि ये मेरा सरप यहाँ पे लिख देने का, टू सरप्लस कैसे आया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। ये चीज़ें आप लिख दोगे तो एग्जामिनर के माइंड में अच्छा एक्सप्रेशन जाता है कि आपको पता है कि इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता तो सरप्लस आता है यहाँ पर। अभी एग्जामिनर इसमें चेक क्या करता है, हर एक पॉइंट एक एक वर्ड है ना, सबके ऊपर मार्क्स होते हैं, किसी के ऊपर हाफ मार्क्स होते हैं, किसी के ऊपर आपको वन मार्क्स होते हैं। एग्जामिनर ये सब चीज़ें पूरा जब बोर्ड रहता है वो पूरा आपको पूरा सेट देता है, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है किसको कितना मार्क्स देना है। यदि आपको मान लेते कि पूरा आंसर आपका राइट है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है, और मान लो यहाँ पर आपने यहाँ पे बीच में कहीं रॉन्ग कर दिया बट आपने आंसर ये किसी का कॉपी करके आपने राइट लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। किसी भी एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है वो आपका सिर्फ मार्क्स नहीं चेक करता है, आपके एक एक वर्ड चेक होते हैं वहाँ पर। तो आपको अकाउंट्स के पेपर को काफ़ी केयरफुल्ली आपको लिखना है। यदि आपको बैलेंस शीट बनाना तो यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे इन द बुक्स वापस से लिख देना है, और बैलेंस शीट ट्राई करना हमेशा न्यू पेज पे आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे कैपिटल फंड है तो कैपिटल फंड में जो भी एडजस्टमेंट रहेगा, ऐड एडमिशन फीस, ऐड सरप्लस जो उधर से आया रहेगा तो यहाँ पर आपको सरप्लस ऐड करना है, फिर एडलेस तीनों जो भी रहेगा इनर कॉलम में करके उसको आउटर कॉलम में लिखना है। आपको यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल ही लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही ऐसे थोड़ा स्मॉल लिखते हैं वो अच्छा नहीं है। अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये एज ऑन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड लिख देते हैं, ये भी रॉन्ग है, आपको ये सब मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर आपके जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे एडलेस का, वो एडलेस का आपको एडजस्टमेंट कर देना है और इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। और जैसे आपका बैलेंस शीट मान लो दूसरे पेज पे जा रहा है, ट्राई करना न्यू पेज पे लिखने के लिए। यदि न्यू पेज पे बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको दूसरे पेज पे जाएगा ही नहीं, आप यहाँ पर आपने लिख दिया ठीक है। अभी कुछ चीज़ें जैसे आपको एनपीओ के अंदर कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट भी करके दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे कैलकुलेशन टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप वर्किंग नोट उसका बना सकते हो। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके दिखाना है तो जो भी आपके अमाउंट रहेंगे उसके डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करके दिखा दो। इसके अलावा आपको मान लो कि आपको इसका क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन हो गया या ट्यूशन फीस हो गया, आपको लगता है कि वर्किंग नोट के तौर पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना है तो आप वर्किंग नोट भी बना देना। यदि आप इस तरीके से जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया इस तरीके से आप पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप कोर्स आपको 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर कट पिट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप अवॉइड करना है, आप अवॉइड मीन्स ट्राई करना कि कट पिट होना है। और आपके लिए कुछ एक दो टिप्स बता देता हूँ कि जब भी आप पेपर जब आप एग्जाम में टोटलिंग करने बैठो तो आप पेन से डायरेक्टली टोटल करके मत लिखना, एक बार ट्राई करना पहले पेंसिल से लिख देना ये अमाउंट, इसके बाद वापस से
और हर एक सम को एटलीस्ट दो बार टोटलिंग करो, फटाफट करो, लेकिन दो बार करो। इसका रफ वर्क के लिए आप पीछे का एकदम लास्ट पेज यूज कर सकते हो। तो आप जब भी टोटल करने जाओ तो आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट रहेगा ये अमाउंट आपने लिख लिया ठीक है पीछे, या फटाफट आपने लिख लिया या टोटल कर रहे हो, तो आप ये जो अमाउंट लिखोगे पेंसिल से लिखो, और पहली बार एक बार के टोटल पे आप अपने आप को श्योर मत करो, एटलीस्ट कम से कम दो बार टोटल करो। क्योंकि एक बार यदि आपने रॉन्ग कर दिया, किसी एक क्वेश्चन में आप फंस गए, तो आपका टाइम वेस्टेज जाएगा, आपने इतना एफर्ट डाल के जो लिखा है पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको जब भी आप टोटल करो तो पूरा दो बार टोटल करो, और जो भी आंसर है एकदम क्लीन, नीट और क्लीन अच्छे से लिखो, तो आपको आउट ऑफ आपको एनपीओ में से 12 में से 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये पूरा मैं एनपीओ के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इनकेस आपको कुछ और डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।